वाला जो गियर है इसे आगे दबाओगे तो ट्रैक्टर आगे चलेगा, वहीं गियर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीछे लेना है ट्रैक्टर तो क्लच दबाओगे, इसे पीछे लोगे, ट्रैक्टर आपका उसी स्पीड में पीछे जाएगा। ट्रैक्टर के अंदर आपको फुली कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स के साथ ट्रैक्टर मिलता है, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है, गियर भी एक अलग ही तरह से इसका डिजाइन किया गया है, देख सकेंगे जो ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन किसान पुत्र, और आज की वीडियो में आप देखो एक लुकिंग पे लुकिंग वाला जो ट्रैक्टर देख रहे हो भाई, जो डायनाट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर पास में खड़ा है और एक इधर ये खड़ा हुआ है, तो इन सब से इसकी जो लुकिंग है वो बिल्कुल हट गए हैं। वैसे इस ट्रैक्टर का अपन ने वीडियो पहले भी डाल रखा है जो लोडर के साथ, पर इसका जो प्रॉपर रिव्यू है वो आपको नहीं मिलेगा चैनल पे, तो क्यों ना इसका रिव्यू करा जाए और जो ट्रैक्टर के जो फीचर है वो आपको बताया जाए भाई, ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या फीचर है। वो ट्रैक्टर की जो ऊंचाई भी देख सकते हो आप काफी ज्यादा है, और लंबाई भी दिखेगी आपको, और इसके अंदर जो दो तीन एडवांस फीचर है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप। तो सबसे पहले तो अपन इसकी जो डिजाइन है वो देख सकते हो आप, डिजाइन बिल्कुल बाकी ट्रैक्टरों से बिल्कुल अलग डिजाइन है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिकन वाला जो डिजाइन होता है ना, बिल्कुल एक अलग ही लुक आएगी आपको इसे देखोगे आप जब आगे से। और बम्पर भी इसका आप देख सकते हो आप, हेवी बम्पर दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर। और जो ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे कि 254 DI मेसी फोर्गसन की जो बेजिंग है, और यहाँ पर जो डायनाट्रैक का एक बेजिंग यहाँ पर मिल जाती है आपको। डिजाइन के बाद में अपन यहाँ पर अब इसका जो सामने वाला जो एक्सल देखेंगे, ट्रैक्टर का जो फ्रंट जो एक्सल है वो आपको पिक्स वाला एक्सल मिलता है, पर ये जो इसके आप देखोगे तो ट्रैक्टर की जो लेंथ कम ज्यादा कर सकते हो आप इसमें, ये फीचर मिलता है आपको इसके अंदर। ये जो मेन वाला जो एक्सल है ये यूं नहीं मिलेगा आपको, यूं आगे पीछे कर सकते हो आप इसे। और उसके बाद में ट्रैक्टर के अंदर जो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये नीचे बैलेंस रोड है इसकी, और साइड पे से भी काफी इसको एक पैकिंग दी हुई है, कहीं पे हाथ लगने का इनका ये नहीं रहेगा कहना, मतलब सेफ्टी हर जगह सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर साइलेंसर पर भी आप देख सकते हो इसकी जो सेफ्टी को। और अब फिलहाल इधर से चलते हैं अपन, इधर से देखते हैं सामने की तरफ। आप देखोगे यहाँ पर जाली मिल जाती है आपको, यहाँ पर जो चौकोर एलोजन बल्ब के साथ आने वाली जो हेडलाइट है, और बीच में जो लोगो देख सकते हो आप मेसी फोर्गसन का लोगो। यहाँ पर जो इसका एयर क्लीनर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल बाथ एयर क्लीनर मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर आपको। तो जो ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बात करेंगे तो ट्रैक्टर के अंदर आपको 50 एचपी का 3 सिलेंडर बोस इनलाइन पंप के साथ आने वाला इंजन मिलता है, जो कि 2700 आरपीएम पर अपनी पावर जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे और ट्रैक्टर का जो डीजल टैंक के बारे में बताऊं मैं आपको, तो 61 लीटर की कैपेसिटी वाला डीजल टैंक मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो डबल पंप मिल जाते हैं जो हाइड्रोलिक और स्टेयरिंग के लिए, यहाँ पर देख सकते हो आप। और इसका जो एक ये फिल्टर देख सकते हो, इसी के अंदर आपको जो यहाँ पर वो पहले आता था वाटर सेपरेटर वाला, जो वो इसी के अंदर मिलेगा आप। यहाँ से आप इसका जो नीचे से सिंगल फिल्टर मिलेगा आपको इसके अंदर, और यहाँ से इसका जो उसके बाद में अपन यहाँ पर देख सकते हो इसका प्लेटफॉर्म देख सकते हो, काफी बेहतरीन और सबसे प्यारा जो प्लेटफॉर्म है वो सपाट प्लेटफॉर्म के तौर पर आपको दिखेगा। यहाँ पर इसका एक हल्का सा बम्प दिखेगा आपको 1 इंच, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलने वाला है ट्रैक्टर के अंदर। ट्रैक्टर के जो क्लच की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर आपको डुअल क्लच ऑप्शन मिलता है ट्रैक्टर के अंदर आपको, बड़ा इजीली है इसे ऑपरेट करना। और उधर ब्रेक को देखेंगे अपन तो ट्रैक्टर के अंदर ऑयल इमर्सिटेड डिस्क ब्रेक के साथ ट्रैक्टर मिलता है। थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं भाई। अब यहाँ से आप बैठने के बाद यहाँ का जो लुक देखो आप, एक अलग ही लुक मिलेगा आपको ट्रैक्टर पे बैठने के बाद। यहाँ से देख सकते हो आप इसका जो हुड बिल्कुल सपाट हुड दिखेगा, और जो साइलेंसर है वो बाहर की तरफ डिजाइन किया गया है, यहाँ पर आपको कांच मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखो स्टीयरिंग, इसका जो स्टीयरिंग देख सकते हो, डैशबोर्ड देख लो आप इसका, आरपीएम हाथ का जो एक्सीलेटर यहाँ पर मिल जाता है आपको। और इसके अंदर जो खास फीचर है वो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर सुपर शटल वाला जो गियर है, भाई ने बता दिया मेरे पहले, भाई को काफी नॉलेज है यहाँ के बारे में। और उसके बारे में अपन गियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई लो मीडियम 3 स्पीड के साथ ये ट्रैक्टर मिलता है आपको। और इधर जो मेन गियर है जो इसका ब्रेक साइड पर दिखेगा आपको, जो 1 2 3 4 4 गियर, तो 12 गियर आगे जाने के लिए मिलेंगे ट्रैक्टर के अंदर आपको, और 12 ही गियर पीछे जाने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लो आपका ट्रैक्टर दूसरे गियर के अंदर चल रहा है तो आप क्लच दबाओगे ट्रैक्टर को, ये वाला जो गियर है इसे आगे दबाओगे तो ट्रैक्टर आगे चलेगा, वहीं गियर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीछे लेना है ट्रैक्टर तो क्लच दबाओगे, इसे पीछे लोगे, ट्रैक्टर आपका उसी स्पीड में पीछे जाएगा, और ये नोटल भी होता है बीच में। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो 12 वोल्ट का जो स्विच यहाँ पर मिल जाता है आपको मोबाइल वोबाइल चार्ज करने के लिए, और चाबी के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हो एक हॉर्न के लिए। अब थोड़ा पीछे चल के
देखते हैं भाई। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया, जो ट्रैक्टर के अंदर आपको फुली कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स के साथ ट्रैक्टर मिलता है, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है, गियर भी एक अलग ही तरह से इसका डिजाइन किया गया है, देख सकते हो काफी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। सीट भी देख सकते हो आप यहाँ पर एडजस्टेबल, अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। वहीं पर इसका जो पार्किंग वाला जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ड्रॉप और पोजीशन लीवर यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर अपन पीटीओ को लेकर बात करेंगे तो ट्रैक्टर के अंदर क्वाड्रा पीटीओ का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पीटीओ आरपीएम 540 पीटीओ, ये यहाँ पर देख सकते हो आप चार तरह की पीटीओ मिलती है ट्रैक्टर के अंदर, ये और ये दो गियर यहाँ पर आप देख लो। लिफ्ट लॉक भी दिया हुआ है आपको। अब थोड़ा इधर से चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जो 50 HP के ट्रैक्टर है, यानी कह रहे हैं मतलब आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलने वाले हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। अभी के टाइम पे जो भी एप्लीमेंट है वो आप बड़े इजीली तरीके से चला पाओ, तो उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर दे रखे हैं, इससे आप सीट पर बैठे बैठे अच्छी तरीके से चला सके। उसके लिए यहाँ पर एक हैंडल भी दिया हुआ है, गियर बोल सकते हो आप इसे। और उसके अलावा यहाँ पर आप सेंसिंग के लिए देख सकते हो 3 पॉइंट मिलते हैं, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो मेसी ट्रैक्टर की जो सेंसिंग है वो सबसे हट के सबसे बेस्ट सेंसिंग आती है इस ट्रैक्टर की, तो कहीं ना कहीं ये डीजल में भी आपको बचत देने वाली है। हाँ अच्छा, अंतर आता है अकाई जुताई में। हाँ हाँ भाई, वो तो जैसे कि ट्रैक्टर जैसी सेंसिंग रहेगी ट्रैक्टर की वैसा काम और डीजल खपत रहेगी ट्रैक्टर की, सही बात है। और दूसरे ट्रैक्टर से तो मान के चलो अपने 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटा का इसका। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इससे पहले आप यहाँ देखो जो इसका टूल बॉक्स है, जो फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर पीछे ही दिया हुआ है, पानी की बोतल के लिए यहाँ पर ये मिल जाता है आपको। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो हिच देखोगे आप, काफी हैवी और एक मजबूत तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एडजस्ट कर सकते हो आप। पीटीओ पावर की बात करूं भाई तो 45.16 HP की पीटीओ पावर के साथ ट्रैक्टर मिलता है आपको। लिंक आप देख सकते हो काफी हैवी और एक बढ़िया ये मिलती है आपको, देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अपन देखेंगे जो ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है, वो आपको 2050 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ ट्रैक्टर मिलता है। वहीं बेग लाइट देख सकते हो आप, बिल्कुल एक अलग डिजाइन में जो चौकोर टाइप मिलती है। अब यहां से जो टायर के बारे में बात करूंगा भाइयों, तो जो ट्रैक्टर के जो अगले वाले टायर आपको यहां पर आप देख सकते हो 6/16 की साइज में मिलते हैं। कंपनी ने इसके अंदर अपोलो कृषि गोल्ड वाले टायर लगा रखे हैं। और जो पिछले वाले टायर की बात करेंगे अपन, तो यहां पर आपको अपोलो 14/9/28 वाले टायर मिल लेंगे ट्रैक्टर के अंदर कृषि गोल्ड वाले। और यहां पर एक 32 kg की एक प्लेट भी मिल जाती है आपको वेट के तौर पे, जो ट्रैक्टर का आपका जो ट्रैक्टर है वो स्लिप वगैरह ना निकाले, तो दोनों तरफ ये लगा रखी है। अब जो ट्रैक्टर की जो मेन बात है वो मैं बता दूं, जो ट्रैक्टर का व्हील बेस आप देखोगे तो 2040 mm का व्हील बेस मिलता है। ओवरऑल लेंथ की बात करूं मैं ट्रैक्टर की, तो 3642 mm की लेंथ मिलती है। और जो वेट की बात करें तो 2100 kg का वेट दिया हुआ है कंपनी ने इस ट्रैक्टर का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं मैं तो 400 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। तो भाइयों, इस वाले जो ट्रैक्टर की ये खूबियां थी भाई, इस वाले ट्रैक्टर को कौन कौन भाई आप चला रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उम्मीद करूंगा भाई वीडियो के अंदर एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो प्राइस की बात करूं तो ट्रैक्टर का जो प्राइस है उसके लिए अगर आप आसपास से हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा वीडियो पे, तो आप डायरेक्ट फोन करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोटा जिले से आप बाहर से वीडियो देख रहे हो तो आप अपने नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।